ओए यार शिट। ये देखें दोस्तों, ओए होए, ये देखें बेचारी, ये तो मरी पड़ी है और साथ में इसको सारी कीड़ियां भी चिमटी हुई हैं। इसको इस साइड पे, ये खाली जगह इधर फेंक देते हैं। ये देखें, ये पेयर है, इसके नीचे अंडे हैं, माशाल्लाह फर्टाइल हैं। इसके नीचे ये देखें माशाल्लाह बच्चे हैं, और इसी तरह ये पेयर है, इसके नीचे भी माशाल्लाह बच्चे हैं। ये पेयर है, इसके नीचे भी माशाल्लाह बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों सब्जी काफी ज्यादा खराब हो रही थी पानी की वजह से, काफी दिन हो गए थे पानी वगैरह हमने नहीं लगाया था, जिसकी वजह से इस तरह लग रहा था जैसे जल रही हो। आज माशाल्लाह पानी वगैरह लगाया तो जिससे काफी फर्क पड़ा, और सब्जी माशाल्लाह पहले से अब काफी बेहतर हो गई है। और जो हमने छोटे छोटे पौधे लगाए थे शहतूत के, अब देखें माशाल्लाह जवान हो गए हैं और अब बड़े बड़े हो रहे हैं। और इस साइड पे माशाल्लाह अंजीर वगैरह ये देखें, और वो भी शहतूत है, अंजीर है, और ये सामने गाजर का बीज बन रहा है, और ये प्याज माशाल्लाह, ये देखें प्याज जबरदस्त होते जा रहे हैं। अभी इस साइड पे सबको पानी लग गया है, और दूसरी साइड ये वाली साइड अभी रहती है, इंशाल्लाह अभी इसको भी लग जाएगा पानी, फिर जबरदस्त हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं मुर्गियों को, क्योंकि मुर्गियों में से हमारे पास कुछ एग्स लेके आए हूँ। एक मुर्गी को जो है हमने वो बिठाना है कुड़क पे, उन अंडों पे। अभी देख लेते हैं, अगर कोई मुर्गी कुड़क पर है तो हम बिठा लेंगे। कल तो मैंने जब देखा था दोस्तों, तो उस वक्त एक मुर्गी मुझे फील हुई थी कि वो कुड़क पे है। अगर वो अभी तक बैठी है तो इंशाल्लाह उसको हम बिठा लेंगे। दोस्तों वो देखें माशाल्लाह, ये देखें इस साइड पे, ये देखें ये कुड़क पे है, और इसको हम इंशाल्लाह आज बिठा देते हैं। यहीं पे बिठाते हैं या दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो अलहदा बात है। अभी ये एक और अंडा है, ये देखें माशाल्लाह, ये वाला जो हमने सुल्तान इस साइड पे छोड़ा था, ये उसी का अंडा है, और कल भी मैंने यहीं पे रखा था एक अंडा, आज भी यहीं पे रख देते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही अंडे वगैरह इसके पूरे होंगे तो फिर। ओए यार शिट, ये देखें दोस्तों, ओए होए 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 ओए होए 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 होए, ये देखें बेचारी, ये तो मरी पड़ी है और साथ में इसको सारी कीड़ियां भी चिमटी हुई हैं। ये तो मैंने तो अभी इसको देखा, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की मुर्गी थी, ये देखें सारी इसको जो है चूंटियां चिमड़ी हुई थी, और ये मरी हुई है। इसको पता नहीं दोस्तों यकदम क्या हुआ, अच्छी बली थी, कोई समझ नहीं आई इसको क्या हुआ क्या नहीं, और इसी तरह ये मर गई है बेचारी। इसको इस साइड पे, ये खाली जगह इधर फेंक देते हैं इसको, ताकि जो है जानवर वगैरह उठा लेंगे यहाँ से, फार्म में अगर फेंकेंगे तो स्मेल आएगी। अभी देखें माशाल्लाह फार्म पे रौनकें लगी हुई है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है माशाल्लाह। दोस्तों अभी आया था मैं अपने बर्ड शेड में अपने बर्ड वगैरह को देखने के लिए, लेकिन एक चीज नोट किया कि अब गर्मी बढ़ती जा रही है इस साइड पे, लेकिन मसला यह है कि ये देखें बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं। अक्सर बर्ड के मैंने बॉक्स उतार दिए गर्मी की वजह से, मैंने ब्रीड लेना रोक दिया, लेकिन जिन बर्ड्स के बॉक्स लगे हुए हैं उनको जिस तरह, ये देखें ये पेयर है, इसके नीचे अंडे हैं माशाल्लाह फर्टाइल हैं, ठीक है। उसके बाद ये पेयर है, और इसके नीचे ये देखें माशाल्लाह बच्चे हैं, और इसी तरह ये पेयर है, इसके नीचे भी माशाल्लाह बच्चे हैं, ये पेयर है, इसके नीचे भी माशाल्लाह बच्चे हैं। इस तरह दोस्तों जिनके नीचे बच्चे वगैरह हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू होगा, नहीं तो मैं इस साइड पे निकाल दूंगा, लेकिन आप इस साइड पे निकालना, इसकी सारी सेटिंग वगैरह करके सफाई, वैसे पहले हमने दूसरी चीजें रखी हुई है यहाँ पे, तो उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और इसके अच्छे तरीके से सफाई वगैरह करके सारे बर्ड यहाँ पे निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ये ना हो बर्ड्स को कोई इशू हो इनकी वजह से, गर्मी की वजह से। तो इधर भी एक पेयर ने माशाल्लाह बच्चे हैं, इसके पास भी हैं माशाल्लाह बच्चे, ये देखें अल्बाइनो स्प्लिट का पीस है, ये जो है ये दोस्तों लोटिनो अपलाइन का पीस है माशाल्लाह, रेड आइज में सारे के सारे बच्चे माशाल्लाह हेल्दी हैं। दोस्तों मेरे पास ये ग्रीन अपलाइन और ग्रीन यूबिंग अपलाइन का एक पेयर है माशाल्लाह, पेयर चेक करें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये पेयर है, ये मेल है और यूबिंग में फीमेल है। मैं आपको इसके चीज चेक करवाता हूँ कि माशाल्लाह ये चीज कैसे पालता है, ये देखें 5/5 की एवरेज है, जिसमें 4 लटीनो प्लाइन है और 1 अल्बाइनो प्लाइन है,
माशाल्लाह बहुत ही अच्छे चिक पाले हैं इसने और ये बड़ा ही प्यारा पेयर है। अभी मैं करना ये लगाऊं कि मैं अपने अंडे फोस्टर करने लगाऊं इस पेयर के। ये है मेरा ब्लू टू, पॉसिबल ब्लू टू का पेयर था, मतलब है तो कन्फर्म ब्लू टू, किसी से खरीदा था लेकिन मेरे लिए पॉसिबल है। मैं इसको जब तक टेस्ट ब्रीड में चेक नहीं कर लूंगा तब तक मुझे कन्फर्म नहीं होगा कि ये कन्फर्म ब्लू टू है। ये है इसके अंडे, इन अंडों को मैं लगाऊं उठाने, ये देखें ये अंडे मैंने उठाए यहाँ से अल्लाह का नाम लेके, ये अंडे गए उस साइड पे अल्लाह के हुक्म से, ये अंडे जाएंगे इस खाने में, ये देखें माशाल्लाह इसमें दो अंडे ऑलरेडी हैं, तो ये अंडे जो हैं ये पड़े रहेंगे इसके दो, लेकिन मैं इन पे मार्किंग जरूर कर देता हूँ। दोस्तों अभी मैं इन अंडों पे मार्किंग कर देता हूँ। ये जो अंडे हैं ये हैं ऑफलाइन के अपने अंडे और इनकी जो डेटे हैं वो तकरीबन सेम सेम ही है। अभी ये दो अंडे जो ऑफलाइन के वो मैंने रख दिए हैं और बाकी पांच अंडे जो हैं वो दूसरी हैं उसके अपने ब्लू टू के। ये आप देखते हैं कि अल्लाह ख्याल करेगा क्या बनता है इंशाल्लाह, बाकी कोई इशू नहीं है। दोस्तों अभी जो है इस दफा मैं एक एक्सपीरियंस करने लगा हूँ मुर्गी बिठाते हुए, कि ये जो खजूर के पत्ते हैं ये इसके नीचे रखेंगे क्योंकि आजकल गर्मी थोड़ी बढ़ रही है तो घास या तूड़ी वगैरह जो होती है उससे हीट ज्यादा हो जाती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस दफा कि ये खजूर के पत्ते नीचे रखते हैं। अभी दोस्तों सेटिंग करने लगा हूँ, सेटिंग करता हूँ पहले मुर्गी की, जहाँ मुर्गी बिठानी है उसके बाद मुर्गी बिठाते हैं। पहले हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह तीन मुर्गियां बैठी हुई हैं, एक दो और ये तीसरी, इसके तो बच्चे निकलने वाले हैं और ये दो जो है ये रिसेंटली आपको पता है वीडियो में आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली बनाई थी और अभी हम इसकी जगह सेट करने लगे हैं। अभी दोस्तों फाइनली हमने इसकी इंटे सेट कर दी है, ये देखें अभी इसकी सेटिंग कर दी है और अभी इसके नीचे मैं ये रखता हूँ, ये सामने जो है इसकी सेटिंग करूंगा अच्छे तरीके से ताकि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से फिट हो जाए। क्योंकि मेन मकसद दोस्तों यही होता है कि बस नीचे से नरम हो और जो है मुर्गी जो है वो जब बच्चे अंडे जब इस तरह ऊपर नीचे करती है जिस तरह हमारे ब्रूडर्स में अगर ऑटोमेटिक इनकोबेटर है या ब्रूडर है उसमें जब अंडे रोटेट करते हैं ऐसी मुर्गी भी अंडे रोटेट करती है, इस वजह से थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि जब मुर्गी अंडे रोटेट करे तो जो है अंडे टूटे ना। दोस्तों अभी इसके नीचे मैं थोड़ा सा बुरादा भी डालने लगा हूँ ताकि ये जगह बिल्कुल थोड़ी सी सेटिंग में रहे, ये ना हो कि मुर्गी जो है कोई काम खराब करे या किसी किस्म का हमें कोई मसला हो। नेस्टिंग मैंने अच्छी करके बना दी है इसकी, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। रख देता हूँ ये अंडा जो है ब्रॉयलर का, ये नहीं रखना हमने, ये देखे माशाल्लाह ये अंडे, ये देखें ये माशाल्लाह दोस्तों हो गए 14 अंडे। अभी जो है हम मुर्गी लेके आते हैं और उसको अंडों पर बिठा देते हैं। अब मामला ये है कि हमारे पास जो केज है हमें केज की जरूरत है, उसका बेहतरीन हाल ये है कि ये वाली जो मुर्गी है अब ये पक्की कुड़क हो गई है तो इसका ये अगर हम केज ऊपर से उठा लेते हैं और उठाने के बाद उसके ऊपर रख देते हैं ताकि हमें कोई मसला ना हो। अभी इसको हम यहाँ पर रख देंगे और ये लगा देंगे। अब ये इसको केज की जरूरत नहीं है, अगर ना भी केज दें तो ये बैठी रह गई थी, ये नहीं उठेंगे। अब मुर्गी ले आते हैं और मुर्गी ला के यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी दोस्तों ये मुर्गी हम छोड़ देंगे अंदर तो देखें ये क्या करती है।
हम छोड़ के साइड पे हो जाएंगे। ये थोड़ी सी अग्रेसिव मुर्गी है तो अभी शायद अंडे दे के बैठ जाए, वैसे बैठ नहीं रही है, थोड़ा सा इशू है इसका कि ये ड्रामेबाजी करती है हर दफा ही, लेकिन हम इसको अंडे रख के चुप करके साइड पे हो जाएंगे ताकि कोई ड्रामेबाजी ना करे।